हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी देसी रसोई में। आज हम बना रहे हैं लखनऊ के नवाबी बोटी कबाब और साथ में नवाबी चपाती पराठा। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही जायकेदार होता है। इससे आपने टुंडे कबाबी का नाम सुना होगा, इसमें भी वही फ्लेवर है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। अभी लखनवी बोटी कबाब के लिए हमें चाहिए ये रूखा छोटी छोटी पीस में 250 ग्राम 250 ग्राम लगभग गोश्त है। और इसके लिए हमें मसाला, ये हमें अखनी की तरह पहले चढ़ाएंगे, इसलिए इसमें डालने के लिए सामान, एक बड़ी इलायची, एक लौंग, थोड़ी सी तज की लकड़ी, मीठी लकड़ी बोलते हैं इसे, और थोड़ी सी जावित्री, एक तेज़पत्ता, दो हरी मिर्च, आप बढ़ा भी सकते हैं कड़वे के लिए, और नमक 1 चम्मच और लगभग आधे चम्मच से ज़्यादा मिर्च। और ये है पपीता, अगर आपके पास ताज़ा पपीता है तो आप ताज़ा पपीता पीस के डाल सकते हैं, नहीं तो ये सूखा कर इसे पाउडर बना कर रख सकते हैं। ये डालना है साथ में, ये सामान हम सारा सामान इसके साथ में डाल के हमें चढ़ाना है, जैसे अखनी बनती है। ये सारा गोश्त डाल देंगे, बड़ी इलायची, मीठी लकड़ी, जायफल, जावित्री, लौंग, ये पपीता, और ये मिर्च, नमक की पीस करके हम इसी में डाल देंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल गलने तक पकाएंगे। 10 मिनट में ये बहुत अच्छा गलेगा, जब आप फुल फ्लेम पर रखें और जब प्रेशर बन जाए तब उसे सिम कर लें कम आंच पर। इसे खूब अच्छे से पकाना है, थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड करना है। इसे हमें गलने तक पकाना है। 1 कप पानी डाल दिया है, बस जब तक गल नहीं जाता तब तक हमें इसे पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम इसके लिए और मसाला निकालते हैं। ये गलने के बाद इसमें हम जो मसाला डालेंगे वो मसाला निकालते हैं, देखते हैं कितना क्या मसाला पड़ेगा। अब में डालने के लिए हमारे लिए मसाला है 4 छोटी इलायची, 4 लौंग, थोड़ा सा जायफल, थोड़ी सी जावित्री और थोड़ी सी तज की लकड़ी, पहले भी हम तज की लकड़ी डाल चुके हैं, थोड़ी सी गुलाब की पत्तियाँ, थोड़ी नारियल, अगर ये भी नारियल है आपके पास तो चलेगी, इसका काला छिलका छील दें, पीस लें, ये पीसने में आसानी रहती है इसलिए ये लेते हैं। संदल का बुरादा, अगर संदल का बुरादा आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप 1 चम्मच केवड़ा जल ले सकते हैं। 1.5 चम्मच बेसन, बेसन को भूनना है। प्याज, प्याज को काट के इसको फ्राई करना है, तली हुई प्याज को हमें पीसना है। काली मिर्च 1/2 चम्मच, पोस्ता दाना 1/2 चम्मच, इन सबको हमें पीसना है। प्याज को अब हम काट के फ्राई करेंगे। बेसन को हम भून लेंगे धीमी धीमी आंच में, जलने ना पाए, गुलाबी रंग होने तक, जब तक खुशबू बेसन की आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। बेसन हमारा भून गया है, देखिए थोड़ा थोड़ा गुलाबी हो गया है। अब हम प्याज को फ्राई करेंगे, अब हम प्याज को फ्राई करेंगे। इसमें तेल लेंगे, तेल थोड़ा ज़्यादा लेंगे क्योंकि जो तेल बचेगा वो हमें कबाबों में ही डालना है। अब हम इसे गुलाबी होने तक तलेंगे, होने लगी है इसे थोड़ा सा और करेंगे और फिर उसे निकाल लेंगे। फिर हमें सारे मसाले पीसने हैं, ये प्याज भी पीसनी है फ्राई और सारे मसाले। बेसन को रख देना है, बाद में डालेंगे। बस हो गई, हम देख लें हमारी बोटियाँ गल गई, ये बोटियाँ गली होनी चाहिए अच्छे से। ये हमारी बोटियाँ गल गई, अब आ गया है इन बोटियों का कबाब बनाने का टाइम। अब हम इसमें इन्हें पकाएंगे और ये जो मसाला है ये मसाले को अच्छे से मिक्स करके हम इसी में डाल देंगे। मसाला डालने के बाद बेसन को भी घोल बना के इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से पकाना है। अब हम बेसन का भी घोल बना लेंगे, जिसमें इसमें जो हल्के हल्के से ये दाने रह जाते हैं, ये दाने ना रहने पाए इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका घोल बना लेंगे।
ये हमारा घोल तैयार हो गया है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। इसे खूब अच्छी तरह से जलाना है जब तक ये खूब अच्छी तरह से पक ना जाए, ये सारा मिक्स हो जाएगा एक में। और फिर हम ये जो हमने तेल में प्याज फ्राई की थी वो तेल भी हम इसी में डाल देंगे। अब इसे हमें 5 से 10 मिनट तक अच्छे से मीडियम आंच पर पकाना है। कबाब तैयार हो चुके हैं। अब जो इसमें ख़ास चीज़ है नवाबी तड़का, जिससे नवाबी खुशबू आएगी, महक आएगी, वो अब हमें देना है। इसे ठुनकार भी कहते हैं। ये हम एक कटोरी में, छोटी कटोरी में, अगर आपके पास इससे छोटी हो तो वो भी चलेगी, इसमें थोड़ा सा तेल लेंगे और इसे इसके बीच में रख देना है। और फिर ये कोयला लेना है, इस कोयले को खूब अच्छे से अंगारा बना लेना है। ये जब खूब अच्छी तरह से बिल्कुल दहक जाएगा, एकदम तैयार है। अब हमें इसे इसमें डाल के और इसे फौरन बंद कर देना, इसका धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब इसे हम थोड़ी देर तक बंद रखेंगे। अब नवाबी बोटी कबाबों के लिए तो नवाबी पराठे भी चाहिए, तो ये हम बनाएंगे नवाबी चपाती पराठे। इसके लिए हमें चाहिए मैदा। अब इसमें हम डालेंगे, ये 8-10 चम्मच मैदा है, इसमें हम लगभग 2 चम्मच मोयन डालेंगे और इसमें दूध डालेंगे 1/2 कप दूध। और इसे मुलायम गूंदना है, जैसे चपातियों का आटा गूंदा जाता है। हमने जो तेल डाला था इसमें 2 चम्मच, वो इसके खस्ता होने के लिए। अगर हाथ में ज़्यादा चिपके तो थोड़ा सा तेल आप हाथ में लगा के इसे अच्छी तरह से मुलायम गूंदें। इसे थोड़ा और मुलायम करना है, ये चपाती रोटी की तरह बढ़े। हल्का हल्का सा पानी लगा के ज़रा सा गीला कर लें। अगर हाथ में चिपकता है तो आप उसमें तेल लगा लें। इसे अच्छी तरह गूंदना है, इसमें अच्छे पराठे मुलायम और खस्ता हों। हल्का सा तेल, और अब ये हमारा पराठे बनने के लिए तैयार है। अब हम इनके चपाती पराठे बनाएंगे। अब ये जो हमने इसमें ठुनकार लगाई थी, ये हमें कोयला इसका निकाल लेना है। और ये जो तेल है, ये तेल इसी में डाल के और मिक्स कर देना है। यही हमारा सबसे ख़ास, हमारे कबाब तैयार हैं। अब हम बनाएंगे चपाती पराठा। अभी हम उल्टी तरफ बनाएंगे, जिधर अगर आपके पास माही तवा है, वो जो उठा हुआ होता है वो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब हम आटे की लोइयां बनाएंगे। उनको अच्छे से, जैसे आप चपाती बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से बनाना है। ये हमें इसे फुल फ्लेम पर पूरा गरम कर लेना है। ये जब पूरी तरह से चारों तरफ को गरम हो जाएगा तब हम इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर कर देंगे। अगर ये ठीक से गरम नहीं होगा तो हमारा पराठा किनारे से चिपक जाएगा और फट जाएगा। इसे हम बिल्कुल पतला, एकदम गरम हो गया है, इसे हम बंद कर देंगे। अगर अभी डालेंगे तो बीच में हमारा पराठा जल जाएगा। अभी थोड़ा इसे नॉर्मल होने देते हैं बीच में, फिर एकदम धीमी आंच में हम पराठा बनाएंगे इस पर। अब हम इसे जला देंगे बिल्कुल हल्की सी आंच। बिल्कुल बिल्कुल धीमा कर देना है, इसमें आँच ऊपर ना है, बहुत धीमा, पलटना नहीं है। हमें इस साइड में तेल लगा लेना है। हमें इसी तरह से पकाना है। इधर भी हमें देखना है, हल्का हल्का गुलाबी हो जाएगा तब हम इसे पलटेंगे। इसे अभी हमें नहीं पलटना है। ये हमारा एक साइड से गुलाबी हो गया है, अब हम इसे पलट देंगे
और एक साफ सूती कपड़ा ले लें जो पुराना दुपट्टा हो, उससे हम इसे बहुत ही हल्के हल्के से दबा के बनाना है। बिल्कुल गुलाबी और बहुत ही कुरकुरा होगा, ये मुलायम और कुरकुरा दोनों मिक्स। ये देखिए, ये हमारा गुलाबी गुलाबी एकदम पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे फोल्ड कर देंगे। और अब हम दूसरा पराठा बनाएंगे। ये हमारा दूसरा पराठा भी तैयार हो रहा है। इसमें भी हमें तेल ऊपर से ही लगाना है। जब तक एक साइड गुलाबी नहीं हो जाएगा हम इसे पलटेंगे नहीं, और अच्छे से खूब तेल लगा लेंगे। अब हम इसे कॉटन के कपड़े से अच्छे से दबा दबा के गुलाबी कर लेंगे। अब हमारा पराठा बहुत ही अच्छा सिद्ध गया है, गुलाबी और कुरकुरा, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। अब हम कबाब और पराठों को सर्विंग प्लेट में रखेंगे। ये है बहुत ही लजीज जायकेदार, एक बार आप ज़रूर ट्राई करिएगा। रखेंगे प्याज और ये हरी मिर्चों को हम काट कर रखेंगे, बहुत ही अच्छी लगेंगे। अब आ रहा हमारा नंबर है पराठों का, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही लजीज बहुत ही अच्छी डिश है। आप अपने लिए बना सकते हैं और मेहमानों के लिए ख़ास। ये है हमारे लजीज लखनवी नवाबी पोटी कबाब और नवाबी चपाती पराठा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।